भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है, ऐसा कहना है दिल्ली पुलिस का। 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न केस में इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की, जिसमें बताया है कि उसकी अब तक की जांच के आधार पर ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा भी दी जा सकती है। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? 13 जून को फाइनल की गई चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354 ए यौन उत्पीड़न और धारा 354 डी पीछा करने, इनके तहत मामला दर्ज किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक मामले में तो ब्रजभूषण ने बार बार उत्पीड़न किया और शिकायत होने से पहले तक ये जारी था। 6 मामलों में से 2 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 मामले धारा 354 और 354 ए के तहत दर्ज हुए हैं। इन धाराओं में दोषी साबित होने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें गलत तरीके से छूने के 10 मामले शामिल हैं। इसके अलावा डराने, धमकाने और पीछा करने की कुछ घटनाएं भी शामिल हैं। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 6 पीड़ित पहलवानों के आरोपों की पुष्टि के लिए कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। चार्जशीट में कहा गया कि जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें पहलवान, कोच और रेफरी सहित 15 लोगों ने आरोपों को सही बताया और इन आरोपों की पुष्टि की। हालांकि जब दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही ये दावा भी किया कि वो आरोप लगाने वाली पहलवानों से कभी मिले नहीं और उनके पास इन पहलवानों के फ़ोन नंबर भी नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने अदालत से बीजेपी सांसद और गवाहों को समन भेजने की अपील की है। चार्जशीट में लिखा है आरोपित को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही चार्जशीट के साथ दी गई गवाहों की सूची के आधार पर गवाहों को भी अपने बयानों की पुष्टि के लिए बुलाया जा सकता है। आपको बताते चलें कि 7 जुलाई को इस मामले की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। अदालत ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमरावे, आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।